हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और इस वीडियो में जिस इटालियन सीरिया के मैच का हम प्रीव्यू करने वाले हैं वो खेला जाएगा टोरिनो वर्सेस एसी मिलान के बीच। तो एसी मिलान वैसे तो इटालियन सीरिया का वन ऑफ द टॉप क्लब माना जाता है, लेकिन इस ईयर ये टाइटल से चूक गए और इनके आर्च राइवल इंटर मिलान जो है ऑलरेडी टाइटल जीत चुके हैं, बट अभी ये सेकेंड पोजिशन में है और सीजन में अब दो ही मैचेस बचे हैं, तो ये कन्फर्म इस सेकेंड स्लॉट में फिनिश, सेकेंड पोजीशन में फिनिश करने वाले हैं। तो एक तरीके से एसी मिलान का सीजन ओवर हो चुका है। ओवरऑल तो सीजन अच्छा गया, बट स्टिल टाइटल रेस में इंटर को बहुत ज़्यादा फाइट नहीं दे पाए। अभी आप देखेंगे सेकेंड स्पॉट में 36 मैचेस में 74 पॉइंट है, 72 गोल स्कोर किए और 43 कंसीड किए। यहाँ से जीते हारे कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट स्टिल ये अपने बचे हुए दोनों मैचेस को जीतना चाहेंगे। वहीं जो टोरिनो है मिड टेबल की टीम है और अभी मिड टेबल में ही है, टोरिनो का भी सीजन एंड हो गया है। यहाँ से ना ये बहुत ऊपर जा सकते हैं ना बहुत नीचे आ सकते हैं टेबल में, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये 10th 9th 11th ऐसी पोजीशन में रहेंगे। फिलहाल 36 मैचेस में इनके 50 पॉइंट हैं, 33 इन्होंने गोल स्कोर किया और 32 गोल कंसीड किए। डिफेंस वाइज तो टोरिनो अच्छी रही है सीजन में, लेकिन ये अटैकिंग वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए हैं। फिलहाल इस वाले मैच की बात की जाए, मैच टोरिनो के घर में है। ऑल दो रिसेंटली दोनों ही टीम्स मिलान और टोरिनो काफ़ी इनकंसिस्टेंट रही है, उनके रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, बट इस मैच में मैं स्लाइटली या फेवरेट मिलान को करूँगा, क्योंकि ओवरऑल स्क्वाड क्वालिटी में मिलान एक फार बेटर टीम है एज कम्पेयर टू टोरिनो। वैसे टोरिनो का होम मैच है, टोरिनो यहाँ पे मे भी हो सकता है ड्रॉ करा ले या मिलान को हरा भी सकती है, बट अभी के लिए मैं स्मॉल लीग में मिलान को ही बैक करते हुए अपनी टीम बनाने वाला हूँ। अब गाइस, सबसे मेन चीज़ इस मैच की लाइनअप आने के बाद जो भी फाइनल टीम में अपडेट होगी वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल में। तो जो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको या तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको मिल जाएगा टॉप पिन कमेंट में, ज्वाइन कर लीजिए। अब हम आए थे डायरेक्ट प्रोबेबल लाइनअप पे और पहले स्टार्ट करते हैं मिलान से। तो मेरे अकॉर्डिंग ये फेवरेट होने वाले हैं, अभी मैं इनके मैक्सिमम यानी कि मैं 7 प्लेयर मिलान के पिक करने वाला हूँ। तो इनकी प्रोबेबल लाइन पर नज़र डालते हैं। स्पॉटियोलो होने वाले इनके गोलकीपर, ये इनके सेकेंड चॉइस गोलकीपर है, बिकॉज इनके फर्स्ट चॉइस जो गोलकीपर है माइक मैनियान वो इंजर्ड है, इस वजह से इनके गोलकीपर होंगे स्पॉटियोलो। चार इनके डिफेंडर होंगे कलुलू, टोमोरी, थियाओ और थियो हर्नांडिस। फिलहाल अब यहाँ पे चेंज ये हो सकता है, अगर थियो हर्नांडिस फिट नहीं हुए तो इनके प्लेस में कोई एक टेरासियानो करके फुल बैक है वो अंदर आ जाएगा, बट अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ यही बैक लाइन होगी। इस मैच में अगर दोनों में किसी एक टीम को क्लीन शीट के लिए बैक करना हो वो मैं मिलान को ही करूँगा, तो मैं मैक्सिमम डिफेंडर मिलान के पिक करके चल रहा हूँ। अभी आप चाहे तो चारों ले जा सकते हैं, ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है, लेकिन अभी मैं चार नहीं ले आ रहा हूँ, मैं सिर्फ तीन ही डिफेंडर ले आ रहा हूँ और मैं एक एक्स्ट्रा अटैकर पे पढ़ लूँगा। तो फिलहाल जो मेरी टॉप थ्री चॉइस है वो है थियो हर्नांडिस, टोमोरी एंड कलुलू। मेरे अकॉर्डिंग थियो हर्नांडिस स्टैंड आउट डिफेंडर है, मस्ट पिक है। इनफैक्ट इस मैच में कैप्टन वाइस कैप्टनसी के भी टॉप ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि इस मैच में जीरो जो है वो एक्सपेक्टेड है कि बेंच में रहेंगे, स्टार्ट नहीं करेंगे, तो उनके ऑप्शन में जो मिलान की पेनल्टी देते हो हर्नांडिस ही हैं। इसके अलावा अटैकिंग वाइज भी अच्छे हैं, डिफेंसिव भी करते हैं, क्लीन शीट होने में उसके भी पॉइंट देंगे, तो मैं थियो हर्नांडिस को गारंटी लूंगा। बाकी टोमोरी भी हेडर में और डिफेंसिव अच्छे हैं, और कलुलू राइट बैक खेलने इस वजह से यहाँ से इनके डिफेंसिव ऑफेंसिव पॉइंट आ सकते हैं। तो मेरे तीन डिफेंडर है थियो हर्नांडिस, टोमोरी और कलुलू। अगर आप श्योर हैं कन्फर्म मिलान क्लीन शीट रखेगी और लो स्कोरिंग मैच होगा, देन आप फोर्थ डिफेंडर थियाओ को भी ऐड कर सकते हैं, बट अभी मैं थियाओ इग्नोर करके बाकी तीनों डिफेंडर को लेके गया हूँ। आडली और मूसा मिडफील्ड में खेलेंगे, फिलहाल मैं दोनों को इग्नोर कर रहा हूँ, दोनों ने कोई बहुत ज़्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं दिया। अब मिडफील्ड से मेरी नंबर वन चॉइस रहेंगे रेंडर्स। रेंडर्स सीजन बहुत अच्छा कर रहे हैं, रेगुलर इंटरवल्स में गोल असिस्ट भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और डिफेंसिव भी करते हैं और बिना गोल असिस्ट के भी अच्छे पॉइंट दे रहे हैं, तो मैं मिडफील्ड में अभी के लिए रेंडर्स को श्योरली पिक करके गया हूँ। अब इस मैच में दोनों ही जीरो और लियाओ एक्सपेक्टेड है कि बेंच में रहेंगे, स्टार्ट नहीं करेंगे, ऐसे रूमर्स निकल के आ रहे हैं, तो यहाँ पे पुलिसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन एब्सेंस ऑफ जीरो और लियाओ, और पुलिसिस की रीसेंट गोल स्कोरिंग फॉर्म भी बहुत अच्छी है। तो अगर जीरो और लियाओ नहीं खेले, पुलिसिस और थियो हर्नांडिस जो इनके लेफ्ट बैक हैं, ये दोनों इस मैच में कैप्टन वाइस कैप्टनसी के टॉप ऑप्शन रहेंगे, तो मैं पुलिसिस को तो गारंटीड पिक करके चल रहा हूँ। इनफैक्ट इन्होंने अभी लास्ट सीरिया मैच में दो गोल स्कोर किए हैं। इसके अलावा मैं लुका योविक ले रहा हूँ, जो जीरो के एब्सेंस में मोस्ट प्रॉब्ली नंबर 9 होंगे। योविक ऑल दो इनको बहुत ज़्यादा चांस नहीं मिलता, लेकिन जितने भी इस सीजन इनको चांस मिला है मिलान में इन्होंने अच्छा किया है, तो मैं अभी के लिए लुका योविक ले गया। और मैं अभी नोआ ओकाफोर पे पढ़ ले रहा हूँ, ऑल दो बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी प्लेयर नहीं है। हाँ, अगर इनके प्लेस में राफेल लियाओ स्टार्ट कर गए फिर तो मस्ट पिक रहेंगे और कैप्टन वाइस कैप्टनसी के टॉप ऑप्शन बन जाएंगे, लेकिन
ओकाफोर बहुत ज़्यादा ट्रस्टी प्लेयर नहीं है, तो मेरे एक तरीके से पॉइंट पे गया, अगर बट अगर ये गोल असिस्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा पॉइंट नहीं देंगे, तो यहाँ पे आपको सेफ जाना, आप थियाव लेना। बट पता नहीं क्यों मुझे एक गट फील आ रहा है कि ओकाफोर अच्छा कर सकता है, तो मेरे अभी के लिए पॉइंट पे होने वाले हैं ओकाफोर। तो ये मिलान की 11 थी। अभी जो मैंने यहाँ से प्लेयर्स लिए, मैं तीन डिफेंडर ले गया, कुलुलु टोमोरी और थियो हर्नांडिस। इसके अलावा मैं पुलिसिच, रेंडर्स, ओकाफोर और लुका योविक को पिक करके गया हूँ। पेनल्टी टेकर जीरो है उनके अवसर में, मोस्ट प्रॉब्ली थियो हर्नांडिस इनकी पेनल्टी लेंगे। बाकी ये अभी तक के मिलान के सीएन के स्टेट है सीरिया के, आप ये स्टेट देख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट अपोनेंट टोरिनो की, तो मिलिंकोविक सेविक होने वाले इनके गोलकीपर। आई थिंक मिलान इस मैच में ज़्यादा अटैक करेगी, तो मेरे गोलकीपर यहाँ पे मिलिंकोविक सेविक ही रहेंगे। बैक थ्री है खेलते हैं, जिसमें वोजवोडा तो आपको मिडफील्ड में मिलेंगे, लेकिन लोवाटो और मसीना आपको दोनों सेंटर बैक में मिलेंगे, और साथ ही आपको जो इनके लेफ्ट विंग बैक है रिकार्डो रोड्रिगस और जो सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर है तमेजे, ये जो चार प्लेयर है आपको चारों डिफेंस सेक्शन में मिल जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए वैसे मैं कोई भी यहाँ पे टोरिनो का डिफेंडर नहीं ले गया, लेकिन अगर आपको कोई लेना है तो जो इनका राइट लेफ्ट विंग बैक है रिकार्डो रोड्रिगस, वो बंदा बहुत अच्छा है अटैकिंग वाइज भी, डिफेंसिव वाइज भी, आप उनको ले सकते हैं। या अगर सेंटर बैक में लोवाटो के प्लेस में एक बोन गिरनो नाम का सेंटर बैक अगर वो खेला, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। बट अगर ये बैकलाइन खेलती है तो मेरी नंबर वन चाहिए रिकार्डो रोड्रिगस ही रहेंगे, अगर आपको कोई डिफेंडर लेना है। बट अभी के लिए मैं टोरिनो का कोई भी डिफेंडर लेके नहीं गया, क्योंकि फेवरेट मिलान है, अगर थ्रेशिंग होगी तो दिक्कत हो सकती है। वैसे मुझे थ्रेशिंग लगनी थी, तो आप चाहे तो ले जा सकते हैं डिफेंडर, बट मैं सारे इनके डिफेंडर इग्नोर कर रहा हूँ। बाकी वोजवोडा मिडफील्ड में लिस्टेड है, लेकिन मैं इनको भी इग्नोर कर रहा हूँ, मेरे को इनसे बेटर ऑप्शन मिल लेते हैं। मिडफील्ड में जो मेरी नंबर वन चॉइस है वो है बेलानोवा। बेलानोवा अटैकिंग वाइज बहुत अच्छा कर रहे हैं और विंग बैक हैं, तो डिफेंसिव भी कर सकते हैं, तो मैं बेलानोवा ले गया। इसके अलावा मैं इवान इलिच को ले गया, इलिच अटैकिंग वाइज भी अच्छे और डिफेंसिव भी करते हैं, तो मैं अभी के लिए बेलानोवा इलिच को लेके गया हूँ। बाकी सैमुअल रिची भी एक अच्छे प्लेयर है, ये भी आप इनको भी कंसीडर कर सकते हो, बट अभी के लिए स्पॉट नहीं था, तो मैं सैमुअल रिची को इग्नोर कर रहा हूँ। अब फॉरवर्ड में आपको जपाटा और सनाब्रिया मिलेंगे, दोनों को पिक करने के लिए स्पॉट नहीं है, सिर्फ एक ही स्पॉट है, तो मैं जा रहा हूँ डुआन जपाटा के साथ, जो टॉप स्कोरर है टोरिनो के। ऑल्दो रीसेंट फॉर्म जो है दोनों ही सनाब्रिया और जपाटा की ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन मैं अभी के लिए जपाटा को ट्रस्ट करके पिक कर रहा हूँ। बट आप उनके वाले प्लेस में सनाब्रिया भी ले सकते हैं, ऑल्दो सनाब्रिया ने उतने गोल नहीं मारे जपाटा जितने, बट ये इनके पेनल्टी टेकर हैं, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कॉल लेना, बट अभी के लिए मैं जपाटा को ही लेके गया हूँ। तो ये टोरिनो की 11 थी। अभी जो मैंने यहाँ से प्लेयर्स पिक किए, मैं गोलकीपर ले गया मिलिंकोविक सेविक, इसके अलावा बेलानोवा, इलिच और डुआन जपाटा को पिक करके गया हूँ। बाकी पेनल्टी इनकी मोस्ट प्रॉब्ली सनाब्रिया लेंगे, अगर वो नहीं लेते तो जपाटा ले सकते हैं। और ये अभी तक के इनके सीएन के स्टेट हैं टोरिनो के, इटालियन सीरिया के, आप ये स्टेट देख सकते हो। अब हम आ जाते हैं इस मैच के प्रिडिक्शन में, तो मैं एक 2-1 नैरो मिलान विक्ट्री के साथ जा रहा हूँ। ये 2-0 मिलान भी हो सकता है, ड्रॉ भी हो सकता है, बट मैं यहाँ पे बैक करूँगा मिलान को। तो अभी ये मेरी डेमो रफ टीम है, गोलकीपर मैंने मिलिंकोविक सेविक लिए, तीन में मिलान के डिफेंडर ले गया, कलुलु है, थियो हर्नांडिस है और टोमोरी है। मिडफील्ड में मैंने लिया रेंडर्स और पुलिसिच, और वहाँ से मैंने इलिच और बेलानोवा लिया, और फॉरवर्ड में मैंने जोविक, ओकाफोर और मैंने डुआन जपाटा को पिक किया है। अब आप यहाँ पे चेंज ये कर सकते हैं, जो ओकाफोर है वो प्रॉपर पॉइंट पे गया, अगर आप श्योर है वो गोल असिस्ट नहीं करेगा, तो आप सिंपली ओकाफोर को हटा के फोर्थ मिलान डिफेंडर जो होगा थियाओ, या तो उनको ले सकते हैं, या आप मिडफील्ड में एक और टोरिनो का प्लेयर ऐड कर सकते हैं जो होगा रिची, तो ये आप चेंज एक कर सकते हैं। बाकी मैं बहुत ज़्यादा चेंजेस कंसिडर नहीं करूँगा। दूसरा, जपाटा वाले प्लेस में आप चाहे तो सनाब्रिया भी ले सकते हैं, या आप ओकाफोर हटा के भी जपाटा सनाब्रिया दोनों ले सकते हैं, अगर आपको लग रहा है टोरिनो ज़्यादा अटैकिंग वाइज अच्छा करने वाली है। फिलहाल अगर लियाओ नहीं खेलते हैं, जीरो नहीं खेलते हैं, तो कैप्टनसी के ऑप्शन मुझे पुलिसिच बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो मैं उनको दे रहा हूँ। वीसी में थियो हर्नांडिस को कर रहा हूँ, आपको लो स्कोरिंग मैच लग रहा है, आप इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, थियो हर्नांडिस कैप्टन और पुलिसिच वीसी। किसी को लग रहा क्लोज मैच होगा, तो वो जपाटा जैसे प्लेयर को भी अपना वीसी कर सकता है। तो अभी ये मेरी डेमो रफ टीम थी। अपडेटेड फाइनल टीम के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको या तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आपको मिल जाएगा टॉप पिन कमेंट में, ज्वाइन कर लीजिए।